कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा घटना के लिए एमसीडी और उसके अधिकारी जिम्मेदार, सीबीआई को सौंप सकते हैं जांच, दिल्ली सरकार के जांच अधिकारी को किया गया तलब। लोकसभा में जाति जनगणना को लेकर हंगामा, वेल में विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की, हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी का बयान, चार राज्यों के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार रहे, हवा का रुख हमारे पक्ष में। हमास चीफ की हत्या से पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को दी गई जानकारी, हानिया के बेटे अब्दुल सलाम ने कहा नेता की मौत से अभियान नहीं रुकेगा और फिलिस्तीन के लिए नई क्रांति आएगी। मिडिल ईस्ट में खुल सकता है नया मोर्चा, ईरान ने दी है खुली धमकी, हानिया का खून व्यर्थ नहीं जाएगा, इसराइल को अपराधों की सजा मिलेगी, तुर्की ने कहा शांति नहीं चाहते नेतन्याहू।